कांग्रेस ने प्रत्याशी का घोषणा कर दिया है। दीपिका पांडे सिंह जो है निशिकांत दुबे के विरुद्ध में चुनाव लड़ेंगे। आर अंतक कलह भी जो है कांग्रेस में दिखने लगा है। क्या लग रहा है कि बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है? बीजेपी तो पहले ही आश्वस्त थी कि हम 9 लाख से ज्यादा वोट लाएंगे, लेकिन दीपिका जी के आने से लगता है कि हमारा मत प्रतिशत और भी बढ़ेगा, हम 10 लाख से ऊपर जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे? ऐसा है कि दीपिका जी का जो अपना क्षेत्र है महागामा, वो स्वयं वहां से हार रही है। उसका विरोध तो महागामा में है, इधर जो आप देख रहे हैं इस सारा क्षेत्र में कहीं उसका कोई पकड़ नहीं है, कैडर भी नहीं है। और मूल बात यह है कि हम लोग अंगिकाम कही सी कि जब ढाबरे खत्म लो टोपरिस की हो ला ना, जब इसका बेसिक वोट बैंक था वही गड़बड़ा गया। आप समझिए कि अब तो 3 लाख से ज्यादा जो यदुवंशी वोट है वो सारे भाजपा में शिफ्ट करेंगे, तो कुल मिला के जो ढाबर वोट था वही समाप्त है। अब तो मुस्लिम समाज को सोचना है कि राहुल गांधी जो बात कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस शब्द का तो कांग्रेस ने झारखंड में कचमर निकाल दिया है। आप देखिए जय पटेल साहब छोड़कर सारा टिकट किसको दिया गया, जिसकी कि यहाँ कोई प्रतिशत ही नहीं है, वैसे लोग को टिकट मिला है। लेकिन दीपिका पांडे सिंह ने आज कहा कि सभी कोई नाराजगी होती है, नाराज हैं, हम सबको मना लेंगे और प्रदीप यादव का भी आशीर्वाद मिलेगा, फुरकान साहब का भी आशीर्वाद मिलेगा। इनको ये तो राजनीतिक भाषा है, सब प्रयोग करते हैं, लेकिन इनको कहीं को आशीर्वाद मिलेगा? आशीर्वाद तो इनको जनता का लेना है, जनता ही इसके खिलाफ है। आप जो पूरे झारखंड का परिदृश्य है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक समीकरण को साधते हुए टिकट दिया, अन्नपूर्णा जी को टिकट दिया, उधर ढुल्लू महतो तेली समाज को टिकट दिया, सारे समाज को सवर्ण समाज से लेकर सबको प्रतिनिधित्व का मौका दिया। हम तो ये नारा नहीं देते हैं, हम तो काम करने वाले लोग हैं। जो कांग्रेस नारा देती है उसके विपरीत वो काम करते हैं। आज जो विरोध हो रहा है ये तो लोकतंत्र की व्यवस्था है कि विरोध होना ही चाहिए। जो भी कार्यकर्ता कार्यालय में हम लोगों ने देखा कि दिन भर विरोध कर रहे थे, लेकिन उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, विरोध होना ही चाहिए। अनुपमा सिंह थी। और हम तो शुरू से ये बात कहते हैं कि कांग्रेस जो है ये दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, और अब तो कहते हैं कि अल्पसंख्यक विरोधी भी है। आप देखिए पहले अगर हम 20, 25, 30, 40 साल पहले जाएंगे तो कांग्रेस ने कैसे कैसे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जिसकी कि समाज में कोई जनसंख्या ही नहीं था। आज पुनः कांग्रेस ने वही बात कर दिया। हम तो शुरू से जोर जोर से कहते हैं कि कांग्रेस पिछड़ा विरोधी तो रहा है। आज तक कांग्रेस के इतिहास में एक काम कांग्रेस नहीं गिना सकेगा जो पिछड़े के हित में कोई काम किया हो। वो तो बाबा साहब ने एसटी एससी को संविधान लागू होने के साथ ही आरक्षण दे दिया और उसके लिए कई काम हुए, लेकिन जो भी पिछड़ों को अधिकार मिला वो मंडल कमीशन के आने के बाद मिला। तो अब जिस तरह से टिकट बांटा, आप देख लीजिए झारखंड में जो टिकट बांटा, वो तो दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस किस तरह से दलित, माइनॉरिटी और पिछड़ा विरोधी है। और आप तो पिछड़ों को सोचने के लिए विषय दे दिया है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर कांग्रेस को आईना दिखावे।